हेलो नमस्कार, एक्शन बॉलीवुड म्यूजिक में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो में मैं दुनिया में कहाँ सबका ऐसा नसीब है इस गाने का पार्ट टू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वन में मैंने स्थाई और म्यूजिक बताया था और एक अंतरा बताया था। अब इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड म्यूजिक और सेकेंड अंतरा बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखें, अच्छे से समझें और खूब प्रैक्टिस करें ताकि आप अच्छा बजा सकें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो आपको मिले और आप उसे देखकर प्रैक्टिस करते रहें। और जो लोग अपनी मर्जी से गाना बजाना चाहते हैं उनके लिए मैं एक छोटी सी बात कहूँगा कि अपनी मर्जी से भी आप गाना बजा लेंगे, लेकिन उससे पहले कम से कम 20 से 30 गाने आप नोटेशन के साथ प्ले करें। नोटेशन के साथ जब आप प्ले करते हैं 20 30 गाने अलग अलग रागों में, तो क्या होता है, आपको सुरों की बहुत अच्छी समझ आती है। और जब आप 20-30 गाने बजाएंगे, 20-30 गाने बजाने का मतलब है कि कम से कम एक साल आपको लग जाएगा, और एक साल जब आप गाने ही बजाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आप अपनी मर्जी से भी गाने बजाने लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा पार्ट वन खत्म होता है उसके बाद में एक म्यूजिक आता है, वो म्यूजिक किस प्रकार होगा उसके बाद अंतरा। तो जो हमारी जो फर्स्ट लाइन है, दुनिया में ऐसा कहाँ सबका नसीब है, ये लाइन जैसे खत्म होगी वैसे म्यूजिक आएगा। शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले म्यूजिक का सरगम देखते हैं। ये म्यूजिक का पहला फ्रेज है। सा गा रे सा नी रे पा, फिर से आप देखें, सा गा रे सा नी रे पा, और उसके बाद सा धासा रे, यहां पे सा धासा रे हम एक साथ लेंगे, सा धासा रे गा मा पा, गा मा पा अलग अलग लेंगे। ठीक है, सा धासा रे सा धासा रे गा मा पा, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा सेकंड फ्रेज था म्यूजिक का, फिर से आप देख लें, सा धा सा रे गा मा पा, और तीसरा फ्रेज पा मा पा गा मा रे गा मा गा रे सा, पा मा पा गा मा रे गा मा गा रे सा, फिर से देखें, पा मा पा गा मा रे गा मा गा रे सा। और जो इसको हम स्पीड में लेंगे तो आएगा इस प्रकार। और उसके बाद में जो चौथा फ्रेज होगा वो होगा, पा धपा धपा रे सा, पहले पा फिर धपा धपा रे सा, पा धपा धपा रे सा, ये म्यूजिक है। उसके बाद में जैसे हमारा ये म्यूजिक खत्म होगा उसके बाद हमारी लाइन आ जाएगी, चाहे चाहे बुझा दे कोई दीपक सा
ये हमारी लाइन आ जाएगी। अब आइए इसका भी सरगम देखते हैं। चाहे चाहे सा नी धा पा, चाहे सा नी धा पा, बुझा दे पा पा गा गरे, बुझा दे हमारा पांच मात्रा का है तो हमारी सरगम भी पांच लगेगी। पा पा गा गरे एक दो तीन चार पांच, ठीक है। बुझा दे कोई सारे रे सा रे रे सा, सारे रे सा कोई दीपक दीपक साधा सा सा दीपक साधा सा सा, सारे सारे रे मा मा, सारे रे मा मा, ठीक है। सारे रे मा मा, और उसके बाद प्रीत प्रीत बिछाती, प्रीत यहाँ पे शुद्ध गा लग रहा है, प्रीत गामा बिछाती बिछाती पा मा पा पा मा, बिछाती पा मा पा पा मा, प्रीत गामा बिछाती पा मा पा पा मा, जाए जाए मग गरे जाए मग गरे, राहो में मग रे सा राहो में मग रे सा, राहो में मग रे सा तारे सा सा, राहो में तारे राहो। जब स्पीड में आप लेंगे मेन टेम्पो में आएंगे तो इस तरह से आएगा राहो में तारे, लेकिन पहले उसको सुनो में तैयार करना है। राहो में मगरे सा सा तारे सा सा, और ये लाइन हमारी दो बार बजेगी। ठीक है, इस लाइन को दो बार बिल्कुल एक जैसे सेम बजेगी, और उसके बाद में हमारी लाइन जो है जो सेकेंड लाइन होगी वो क्या होगी, प्रीत दीवानी की कहानी भी अजीब है, ये हमारी सेकेंड लाइन होगी। प्रीत पाधा दीवानी पा मा पा पा, प्रीत पाधा दीवानी पा मा पा 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 मा पा 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 मा पा पा की, अच्छा प्रीत प्रीत हमारा एक हो गया, प्रीत दीवानी की को हम साथ में ही जोड़ देंगे, प्रीत दीवानी की पा मा पा पा मा, कहानी कहानी गा रे मा मा, कहानी गा रे मा मा, प्रीत दीवानी की कहानी भी गा रे सा, तीनों नोट्स एक साथ,
भी अजीब है, भी अजीब अजीब सा सारे रेगा, अजीब सा सारे रेगा। और अगर कोई वर्ड आप गाते हैं, बोल गाते हैं और बोल सही नहीं बैठ रहा है, तो उस बोल के नीचे जो सरगम है, पहले उस सरगम को आप गाएं। सा सारे रेगा, सा सारे रेगा, सा सारे रेगा, अजीब अजीब, आराम से वो बैठ जाएगा। अजीब है गरसा, है गरसा। अजीब है, अजीब है, इस तरह। ससारे रेगा गरसा, ससारे रेगा गरसा। और उसके बाद फिर फर्स्ट लाइन आ जाएगी, दुनिया में ऐसा कहाँ सब का नसीब है। इस तरह हमारा ये पूरा अंतरा आएगा, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। फर्स्ट को आप कर ही चुके हैं और सेकंड भी कर लेंगे, तो ये हमारा पूरा गीत अच्छे से तैयार हो जाएगा विद म्यूजिक के, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और गाने के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।